रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल जो है उसको विकसित कर लिया है और इसकी कोई सीमा नहीं होगी। मतलब ये कि ये दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपने टारगेट को हिट कर सकती है, ये धरती से अंतरिक्ष में मार कर सकती है, ये परमाणु शक्ति से लैस है। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये अब तक की सबसे घातक मिसाइल है, इतनी घातक कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो देश हैं उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। ये अलग बात है कि रूस ने इस बारे में खुद से कुछ नहीं कहा है या इस सिस्टम के बारे में खुद से कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है उसने ये खुलासा किया है। देखिए रिपोर्ट। तैयार हो गया पुतिन का ब्रह्मास्त्र, किस देश का करेगा विनाश? पृथ्वी के चारों ओर काटेगा चक्कर, अमेरिका को सीधी टक्कर। धरती से अंतरिक्ष तक करेगी मार, रूस के दुश्मनों में हाहाकार। ऑर्डर होते ही बॉर्डर तबाह करने वाली मिसाइल, 24 घंटे 365 दिन अलर्ट रहने वाली मिसाइल। रूस ने एक ऐसी परमाणु शक्ति से लैस मिसाइल तैयार कर ली है जो सालों तक मोर्चे पर तैनात रहेगी। ये ऐसी मिसाइल है जो धरती के चारों तरफ लगातार घूमती रहेगी और जैसे ही आदेश मिलेगा पलक झपकते ही टारगेट को तबाह कर डालेगी। नाम है 9M730, बुरे वेस्तनिक मिसाइल। इसे नाटो ने स्काई फॉल मिसाइल का नाम दिया है। ये रूस का ऐसा नया रक्षा कवच है जिसे भेदना फिलहाल अमेरिका के भी बस की बात नहीं लगती। नाटो के देशों में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। तो रूस की जहां तक बात है वो इस मिसाइल पर वर्षों से काम कर रहा है और मिशन के दौरान हादसे भी हुए हैं। अगस्त में पूर्वी रूस के न्योंस्का की बात करें तो यहां धमाका हुआ था, इसमें 5 वैज्ञानिक मारे गए थे। वहीं बात करें ब्रिटिश खुफिया एजेंसीज की तो उन्होंने ये माना कि रूस के जो वैज्ञानिक है वो इसी मिशन के दौरान मारे गए थे जब इससे पहले इस पर काम किया गया था। मिसाइल की विध्वंसक क्षमता जो है वो आग मिसाइल से 1000 गुना ज्यादा है। इसके अलावा रूस की ये मिसाइल रडार की पकड़ में आती ही नहीं है, सबमरीन की जद से भी ये दूर रहती है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे इसकी वर्ल्ड परिक्रमा। चीन में जिनपिंग की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, अपने ही घर में चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं जिनपिंग। मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ तो तमाम तरह की नई नई साजिशें, बड़ी बड़ी साजिशें रचते ही रहते हैं जिनपिंग, लेकिन अपने घर में हो रही अपने ही खिलाफ जो साजिश है उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो फिर जल्द ही जिनपिंग को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। और छोड़िए, जो विरोधी हैं वो तो माफिया बॉस तक कहते हैं जिनपिंग को। मतलब ये कि आने वाले टाइम में जिनपिंग के खिलाफ कुछ भी हो सकता है। चीन में शुरू हो गई जिनपिंग की घेराबंदी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में जिनपिंग को पद से हटाने की मोर्चाबंदी तेज। हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी तो कर ली, लेकिन जिनपिंग खुद चीन की राष्ट्रपति की गद्दी पर टिके रह पाएंगे या नहीं कहना मुश्किल है। पार्टी और सेना दोनों में बगावत की आग सुलग रही है और अगर ऐसा हुआ तो जिनपिंग की सत्ता ही नहीं जाएगी, उनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। वजह है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में जिनपिंग का बढ़ता विरोध जो लगातार तेज होता जा रहा है। ऐसी अटकलें हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस की आपात बैठक बुलाई जा सकती है। ये अधिवेशन 2022 में होना है, लेकिन CCP में जिनपिंग के विरोधी इमरजेंसी मीटिंग चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग के कामकाज के तरीके से पार्टी के कई आला नेता बेहद खफा हैं।
सबसे ज्यादा गुस्सा तो इसी बात का है कि अच्छे भले ढंग से आगे बढ़ रही चीनी अर्थव्यवस्था जिनपिंग की नीतियों की वजह से गर्त में जा रही है। आरोप यह है कि जिनपिंग ने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया है। जिनपिंग के काम करने के तरीके की कई नेता लगातार आलोचना कर रहे हैं। सीसीपी में जिनपिंग के विरोधी जिनपिंग की तुलना माफिया बॉस तक से करने लगे हैं, तो वहीं पार्टी छोड़ चुके लोग जिनपिंग को आतंकी बता रहे हैं। चारों तरफ से घिरते जिनपिंग पार्टी के नेताओं का अपना वफादारी का टेस्ट ले रहे हैं और इसमें जो नाकाम है उन पर सख्ती की जा रही है, जिसने बगावत की आग तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चापा एंगल के आज के इस सफर में फिलहाल इतना ही।